लेट्स डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ डायनाइट्रोजन। अब देखिए, नाइट्रोजन इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। अब हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंग्रेडिएंट इज ऑक्सीजन। तो हम लोग बड़े तौर पे यानी कमर्शियल मैनर में जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। सो वेरी फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ये सबसे कारगर और सबसे बड़ा मेथड है जिससे हम कमर्शियल मैनर में डायनाइट्रोजन प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर इज लिक्विफाइड एंड सब्जेक्टेड फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी सबसे पहले एयर को लिक्विफाई करके बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमें सब्जेक्ट करना होगा। अब इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन के मुकाबले कम होता है, इसलिए नाइट्रोजन डिस्टिल्स आउट फर्स्ट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइनाइट्रोजन इज 77.2 केल्विन and that of oxygen is 90 Kelvin. Thus N2 distills out first, यानी सबसे पहले डायनाइट्रोजन का डिस्टिलेशन होगा। उसके बाद सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर डायनाइट्रोजन इज बाय रिएक्शन ऑफ NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड विथ NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट। ये लेबोरेटरी मेथड है, याद रखना, दिस इज लेबोरेटरी मेथड यानी अगर आप शॉर्ट स्केल में डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से कर सकते हो। So what we need to do in this, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड is to be treated with sodium nitrite that is NaNO2। ऐसा करने से हम लोगों को डायनाइट्रोजन मिलेगा along with water and NaCl। अब ये जो डायनाइट्रोजन यहाँ पे मिलता है it is contaminated by small amount of nitric oxide and HNO3, याद रखना। So in this impurities of NO and HNO3 may be present। अब इनको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, we need to pass the gas through acidified potassium dichromate solution। So to remove impurities gas is passed through acidified K2Cr2O7 that is potassium dichromate। Now next method is by decomposition of ammonium dichromate। So next method is by decomposition of ammonium dichromate that is NH4/2 Cr2O7। अब अमोनियम डाइक्रोमेट जो है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम कराते हैं यानी अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट कराएंगे तो हमारे पास डाइनाइट्रोजन होगा। सो अमोनियम डाइक्रोमेट कैन बी गिवन इन दिस मैनर NH4/2 Cr2O7। अब इसको स्ट्रांगली हीट कराइए, स्ट्रांगली हीट कराने के बाद वी मे हैव N2 along with H2O and Cr2O3। Now next method is by very pure nitrogen can be obtained by thermal decomposition of what? Barium azide. So by decomposition of barium azide. So barium azide के decomposition से हमारे पास एकदम प्योर फॉर्म में डाइनाइट्रोजन हो सकता है. सो बेरियम अजाइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर. इसको आप स्ट्रांगली हीट करिए, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड व्हाट? डाइनाइट्रोजन गैस. सो ये जो है ये काफी प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड है. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स टू प्रिपेयर डाइनाइट्रोजन.